नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिकलो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म, फाइनली आरजीएस की वैकेंसी आ रही है। अब तो आरजीएस की ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो बस अब आपके सामने 2023 की आरजीएस की वैकेंसी, जिसके अंदर 140 सीट्स हैं। आप लोगों को एक बात पता है कि अभी तक फॉर्म आए नहीं है, तो जितने दिन फॉर्म नहीं आ रहे वो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम है, ये आपका बोनस टाइम है। क्यों ना फॉर्म ना निकले उससे पहले पहले एक बार कोर्स रिवाइज कीजिए अपना सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि फॉर्म निकलेगा एक महीना वो मिलेगा, उसके बाद 1.5 महीने के अंदर यानी 3.5 महीने, 1.5 महीने, 1.5 महीना फिर आगे मिलता है ना अपन को, 45 डेज मिलते हैं, तो लगभग आपके पास 2.5 महीने वो, और अभी बोनस टाइम चल रहा है तो मान के चलो कि आपके एग्जाम 4 महीने के बाद होंगे। अभी क्या चल रहा है अपना, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो आपके एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होंगे, हो सकता अगस्त में हो, जुलाई से पहले नहीं होंगे, हो सकता अगस्त में हो, तो अगस्त का टेंटेटिव है। और लास्ट टाइम तो कोरोना की वजह से वो लोग नवंबर में चले गए थे, कोरोना होता गया कोरोना के चक्कर में नवंबर एग्जाम हुआ, तो ऐसा नहीं कि इस बार नवंबर होगा, नहीं, उससे पहले हो जाएगा। तो अब 140 वैकेंसी आने की है, आरजीएस का इंतजार हुआ आपका खत्म, तो लग जाइए अपने आरजीएस की प्रिपरेशन में। साथ ही साथ राजस्थान में 4 एग्जाम आ रहे हैं 2023 में, और जो भी 40 इयर्स के हैं, 40 इयर्स तक जनरल कैटेगरी, बाकी का देखो बेटा मुझे नहीं आइडिया है, आपको नोटिफिकेशन ही देखने पड़ेंगे, इसके लिए कॉल मैसेज मत करना, क्योंकि 45 महिलाओं का है एक नई, वीडियो का है एक नई, डाइवोर्सी का एक नई, लिटरली मुझे नहीं पता है, होता तो मैं जब ये 40 अनाउंस करी मैं वो भी कर सकती हूँ ना, मुझे नहीं पता है, तो वो नोटिफिकेशन से देख लेना, ठीक है। और राजस्थान एडीजे के लिए 45 ईयर्स, यानी अगर मैं ये कहूँ कि जनरली जो है हमारे 40 साल, तो जो भी स्टूडेंट 35 प्लस हैं, जो भी 35 प्लस, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसकी मिनिमम 35 ईयर्स है, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 35 ईयर्स हैं उनके आ रहे इस बार 4 एग्जाम, एडीजे, आरजेएस, जेएलओ और एपीओ, और ये सब 100% है इस बार, सब 100% है कि 2023 में आ रहे हैं, इसको 90% भी नहीं बोलेंगे, 100% आ रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास एडीजे में 7 इयर्स की प्रैक्टिस और 10 जजमेंट में नाम चाहिए, आरजेएस अपीयरिंग वाला भी दे सकता है अभी तक का, जेलो भी लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपीयरिंग वाला भी दे सकता है, एपीओ लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, इट्स मीन आपके रजिस्ट्रेशन के 2 साल हो जाने चाहिए, जब रजिस्ट्रेशन के 2 साल हो गए तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि आपकी सी आर पी सी इसमें भी है, इसमें भी है, सीआरपीसी चारों में है आपकी, एविडेंस एक्ट भी आपके चारों में है, पता है आपको, एविडेंस एक्ट भी चारों में है। तो अगर कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या पढ़ूं, तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आपकी सीआरपीसी और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 2 तो चारों ही कवर करेंगे, इन 2 को घोट के पी लो। एविडेंस एक्ट हर एग्जाम में 12 से 13 नंबर दिलाता है, और सीआरपीसी 9 से 10 नंबर दिलाती है मिनिमम, मैक्सिमम जेलों में 75 क्वेश्चन, ठीक है, एपीओ के अंदर 25 क्वेश्चन, एडीजे के अंदर वही 9-10, आरजेएस में 9-10, 2 सब्जेक्ट अपने पकड़ लीजिए। साथ ही साथ एक और कॉमन चीज पता है क्या, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, मतलब सेम सिलेबस है आपका हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का, तो बस आज से अपनी हिंदी ग्रामर और अपनी इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये कॉमन है एडीजे, आरजेएस, एपीओ, जेलो और पक्के आते हैं, तो 4 बड़े बड़े टास्क हैं आपके पास, मन नहीं लगता, वैकेंसी नहीं आ रही, कैसे पढ़ूं, इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, वैकेंसी 100% आ रही है, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। साथ ही साथ यूनिक्लो क्लासेस, हिंदी के अलग से बैचेस अवेलेबल है, ग्रामर के प्री के, इंग्लिश के अलग से ग्रामर के प्री के बैचेज है, दोनों साथ लेते हो तो भी हैं, आरजेएस फाउंडेशन वो बैच अवेलेबल है,
एडीजी का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हैं, सब कुछ ऑनलाइन जूम पर लाइव क्लासेस चलती, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। हर सैटरडे एग्जाम हो रहे हैं, डेली रिवीजन भी चल रहा है, एवरी मंथ आरजेएस का एग्जाम हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जेलो की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और एपीयू की टेस्ट सीरीज बस कुछ ही दिनों में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फाउंडेशन बैच 8 महीने का चलता है, एडीजी का फाउंडेशन बैच 1 साल का चलता है, टाइमिंग भी वैसी है जो आपके लिए सूटेबल है। बस हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, बाकी सब कुछ है, क्योंकि हमारा क्लासरूम तो स्कूल जैसा है, 0 से Z तक पढ़ते हैं, एक एक लाइन अच्छे से करते हैं, रिवीजन चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं है। साथ ही साथ ओनली मेन एग्जाम के बैचेस भी अवेलेबल है एडीजे और आरजेस के लिए, जिसमें आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एपीओ और जेलो के हमारे पास सेपरेट बैचेस नहीं है, ये आरजेस के, यानी हमारे पास इन तीनों का मिक्सअप, आरजेस, जेलो और एपीओ का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। सेपरेट जेलो नहीं है, सेपरेट एपीओ नहीं है, सेपरेट आरजेस है, पर आरजेस, जेलो, एपीओ तीनों का हमारे पास जो है, कौन सा बैच अवेलेबल है हमारे पास, फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। तो बस अब तैयारी करें, आप में से कहीं बच्चे हैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, कहीं ये जो अब शुरू करेंगे, कई अपीयरिंग वाले हैं वो भी करना चाहते हैं, इन सब का एक ही मैंने देखा है जस्ट, वो ये है, अभी हाल ही में एक वीडियो आपने देखा होगा, एक स्टूडेंट है निखिल टाक, उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरी उस बच्चे से मुलाकात जब इंटरव्यू देना आए तब भी हुई थी, अभी जब ज्वाइनिंग हुई तब भी वो आए थे, अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। उनकी जर्नी की कहानी इतनी सी है कि उन्होंने अपने आप को 8 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। बस वही आपको करना है। मैं आपसे ये नहीं कहती अपना मोबाइल बंद कर दो, मैं आपसे ये नहीं कहती व्हाट्सएप हटा दो, यूट्यूब हटा दो, कुछ भी मत हटाओ। सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल है, ठीक है, आपको देखना भी पड़ेगा, दिन भर तो पढ़ के पागल हो जाओगे, लेकिन आपका दायरा इतना से कर दो। आपको पता है जब घोड़ा चलता है, हॉर्स घोड़ा चलता है, तो यहाँ पे कुछ बांध दिया जाता है ताकि वो सीधा सीधा चले, इधर उधर देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखेगा तो वो घूम जाएगा। आप अपने आप को यहाँ पे कुछ बांध दीजिए कि बस आपका टारगेट है जज जज जो जज, इसके साथ आपके जीवन का कोई टारगेट ही नहीं है, और जब तक बन नहीं जाए नो टारगेट, बनने के बाद न्यू टारगेट, यू नो, सारी पुरानी चीजें छूट जाएगी, सब कुछ नया, इवन मोबाइल नंबर नया, नया मोबाइल, नया नंबर, नई ड्रेसेस, नए लोग, नए दोस्त, नया कल्चर, नया एटमोसफियर, सब कुछ न्यू है। तो आज से सब कुछ न्यू क्यों नहीं किया जा सकता है? जब हमारा टारगेट ही जज बनना है, हमारा सपना ही जज बनना है, तो क्यों भटक जाते हैं हम हर दूसरे तीसरे दिन? क्या हम उसको एक घोड़े की तरह एक वे में ला के नहीं रख सकते? 100% रख सकते हैं, क्योंकि इसको आपको ही रखना है, कोई और नहीं रखेगा। तो आज से अपने एक नया टारगेट सेट करें, एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाए, उस टाइम टेबल में अपने आप को फिट कीजिए, अपना टाइम ऐसे डिवाइड कीजिए कि मुझे पढ़ना है इतना टाइम के लिए जरूरी है तो देखूंगा मोबाइल, मैं कोई बिजनेस विजनेस कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर हूँ नहीं, पुलिस वुलिस हूँ नहीं, जो 24 आवर मेरा मोबाइल ऑन चाहिए, पापा मम्मी से बात करने के लिए एनी टाइम चाहिए, एक नया मोबाइल, नया छोटा डब्बा ले लो, एक नई सिम ले लो, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इमरजेंसी हमारे माता पिता, उनके लिए हम हैं, उनके अलावा बाकी सब हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक टारगेट सेट करो, मार्केट जाओ, बैरेट खरीदो सारे, कोई भी कंपनी का बैरेट चलेगा, एक वीडियो बना रखा वो जरूर देख लेना, कोई भी कंपनी का बैरेट चलेगा। दुकान वाले से कह दो, लॉ का दुकानदार, भैया मैं आरजेएस की प्रिपरेशन कर, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास गाइड अवेलेबल दे दो, 2, 3, 4, 5 जितनी भी गाइड देता ले लो, पढ़ो अपना, उस गाइड को देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपने पास रखो, उनको सॉल्व करते जाओ, फिर भी आपको लगता है मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप कोचिंग ज्वाइन करो, कोई मना ही नहीं है। सेल्फ कर सकते हो तो पहली प्रायोरिटी सेल्फ को दे दो, आपको लगता नहीं मैं बहुत ट्राई किया खुद से नहीं हो रहा है तो कोचिंग करो, क्योंकि कोचिंग वाले भी बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं सभी सेल्फ स्टडी करके बनते हैं, ऐसे हम किसी का फोटो थोड़ी लगाते हैं, कोई आता है तभी लगाते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, इफ़ यू हैवंट मनी, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूँ, आप सेल्फ करें, आपको लगता है मेरे पास पैसे हैं, मैं कोचिंग वालों को दे सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। कोचिंग जाओगे तो वो आप पे मेहनत करेगा, नहीं जाओगे तो आप भी अपने आप पे मेहनत करोगे, कोचिंग में जाओगे तो डबल मेहनत होगी, कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर की भी और आपकी भी, सेल्फ में आपकी आपकी होगी। कई लोग कहते हैं कितनी कोचिंग चले जाओ, मैंने तो खुद को ही करनी है, ऐसा नहीं होता है, मेहनत कैसे करनी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं बेटा। जब भगवान कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी, राम जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी, तो हम तो आम मनुष्य हैं, तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। हाँ, डिपेंड ऑन यू कि आप इंसान को खुद का गुरु बन के भी काम कर सकते हैं। हम अपना थॉट, अपने थॉट को इस तरह से लेके, भैया आज के दिन मुझे ये करना है, ये मैं जो डायरेक्शन दे रही हूँ वो मेरा गुरु है और मुझे वैसे करना है, मैं उसका शिष्य हूँ, खुद को भी अपना गुरु बना सकते हैं।
मदर फादर को बना लीजिए, पापा मैंने आज इतना पढ़ा है, कल ये टारगेट है, आप मुझे प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि मैंने कितना पढ़ा क्या नहीं बचा। मेरे पापा बहुत हेल्प करते हैं, मैंने जब RGS 2016 दिया था तो मेरे को इंग्लिश ऐसे के लिए पापा घूमते फिरता के पूछ लेते थे, कोई क्वेश्चन मैंने किया तो पापा ये लो पकड़ो, है ना। मुझे नहीं पता मैं जज क्यों नहीं बनी, लेकिन मुझे सब कुछ आता, आज मैं बेटर कर सकती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को इसमें भी सफल ही मानती हूँ। मैं ये नहीं मानती मैं असफल हूँ, नहीं मैं सफल हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आप लोगों का इतना प्यार है मेरे लिए कि आज सवा लाख सब्सक्राइबर सिर्फ आप लोगों की वजह से ही, तो मैं सफल ही हूँ। हम क्यों हर रोज बोलते हैं मैं असफल हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो सफल हूँ और बढ़िया सफल हूँ, अच्छा काम करें, हाँ और अच्छा काम करूंगी इसलिए आगे बढ़ूंगी और मेहनत करूंगी। सेम टू सेम यू, आपको सब कुछ आता है, नहीं हो पाया पिछले साल किसी कारण से, कोई बात नहीं, आपने इतना सारा याद तो कर लिया, आपने अपनी स्ट्रेटेजी तो बना ली, आप कर सकते हैं, बट ये कंसल्टेशन बंद करे, तूने कितना पढ़ा, तू क्या पढ़ रही है, अभी कैसे पढ़ूं, तुम हेल्प कर दोगी क्या, कौन क्यों किसी की हेल्प करेगा, हम भी नहीं करते, जज बनने के बाद कौन से आप मेरी हेल्प करोगे कि आप जज बन गए प्लीज मेरी इतनी मदद कर दी, कोई नहीं करता किसी की, समय ही नहीं होता, सबका अपना एक लाइफ, सबका अपना सिचुएशन, सबका अपना सर्कमस्टेंसेस होता है, फिलहाल आपकी हेल्प आपको ही करनी है। यू नो इक्विटी, कानून उसी की मदद करता है जो जागरूक होता है, जिनके अपने क्लीन हैंड से वही कोर्ट आए, बिल्कुल आपको भी सब कुछ अपने आप ही करना है और आप ही करेंगे, ठीक है। तो बस हो जाइए तैयार, बैग कीजिए अपना पैक, अजय जोधपुर, मतलब कीजिए अपनी तैयारी स्टार्ट, अजय जोधपुर भी तो गलत नहीं बोला मैंने, पूछो क्यों, जब आप RGS बनोगे तो ट्रेनिंग जोधपुर में ही होगी, आप ADJ बनोगे तो भी ट्रेनिंग जोधपुर ही होगी, तो सही बोला मैंने, हो जाइए तैयार, कीजिए अपना बैकपैक, आ जाइए जोधपुर, क्यों ट्रेनिंग यही है और सुविनगर यूनिकलो क्लासेस भी यही है, इसको ज्वाइन करने के लिए भी आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन कीजिए, अपने गोल खुद ही डिसाइड करने, छोटे 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 टारगेट बना के कीजिए, जल्दी पूरे होते हैं। आज के लिए धन्यवाद।